ये वीवो का मोबाइल है, वीवो Y71i। इसमें देखिए पिन पैटर्न पासवर्ड लगा हुआ है। तो हम मिरेकल थंडर से हार्ड रीसेट करेंगे, FRP बाईपास करेंगे। चलिए हम मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। अब वीडियो बने रहिए, वीडियो देखिए। मोबाइल खोलने के बाद से इसमें कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद से पोर्ट पर हम क्लिक करेंगे, उससे देखिए पोर्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद से हम यहाँ पर यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल लेंगे और यूनिवर्सल वीवो मेथड पर क्लिक करने के बाद से देखिए हम आ जाएंगे फार्मेट पे। फार्मेट में जाने के बाद से ये कॉलकॉम IC है। उसके बाद से हम देखिए स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से देखिए मोबाइल कनेक्ट हो गया। मोबाइल कनेक्ट होने के बाद से देखिए यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट हो गया। थोड़ी देर समय लगेगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। डाउन होने के बाद से उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक फार्मेट हो जाएगा। देखिए आपको 2 मिनट के अंदर में मोबाइल फार्मेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मोबाइल फार्मेट हो गया। एक कॉलकॉम IC है। तो आप इसी तरह वीवो का मोबाइल का हार्ड रीसेट कर पाइएगा। चलिए हम स्क्रीन पे मोबाइल को ऑन करते हैं। देखिए बैटरी को लगा लेना है। लगाने के बाद से आपको मोबाइल को ऑन करना है और ऑन करने के बाद से इसमें थोड़ी देर समय लगेगा मोबाइल खोलने में। देखिए मोबाइल को खोलना है। खोलने के बाद देखिए वीवो लिख दिया। वीवो लिखने के बाद से देखिए थोड़ी देर समय लगेगा ऑटोमेटिक खोलने में। तो आप वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए मोबाइल खुल गया, वेलकम लिख के आ गया। उसके बाद से हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट रहेगा, नहीं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने भाषा जो आप जहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। हम इंडिया से हैं। उसके बाद आप जहाँ से वहाँ का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए एग्री करना है। एग्री करने के बाद से यहाँ पे आपको स्पेस पर क्लिक करना है। स्पेस पर क्लिक करने के बाद से आपको पहले हार्ट स्पॉट नहीं क्लिक करना है। उसके बाद देखिए मोर पर क्लिक, एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन पैटर्न पासवर्ड लगा लेना है। उसके बाद से आपको स्पेस पर क्लिक करना है, नहीं तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। देखिए हम पहले स्पेस पर क्लिक कर ले रहे हैं क्योंकि हम पिन पैटर्न लगा लिए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करना है। स्पेस यहाँ पे देखिए नहीं खुला क्योंकि हम लगाए हैं पिन पैटर्न पासवर्ड। उसके बाद से बैक हो गया। अब आपको यहाँ पे एक और ट्रिक अपनाना है कि आपको Wi-Fi कनेक्ट करना होगा तभी जाके बाईपास होगा। हम जहाँ बताए हैं वहाँ आप पिन पैटर्न पासवर्ड लगा लीजिएगा। हमारा वीडियो कट गया था इसलिए वहाँ पे हम नहीं दिखा पाए। चलिए हम हॉट स्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं। आपको जहाँ बताए हैं वहाँ पे आप पिन पैटर्न पासवर्ड आप कुछ भी लगा सकते हैं तभी जाके बाईपास होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए हॉट स्पॉट कनेक्ट करने के बाद से आपको नेक्स्ट करना होगा। आप जैसे आपको स्पेस पर नहीं क्लिक करना है, नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद से बैकअप फार्म इस पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ी देर समय लगेगा, आपका स्पेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। 100% आपका मोबाइल बाईपास होगा। उसके बाद स्पेस पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट मोर मोर एक्सेप्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। स्पेस का ऑप्शन आएगा तो स्पेस यहाँ पर कर देना है। आपको इसी जगह पर वहाँ पर बताए हैं कि पिन पैटर्न पासवर्ड आपको लगाना है। अगर वहाँ नहीं लगाइएगा तो आपका नहीं हो पाएगा FRP बाईपास। तो हम जहाँ बताए हैं वहाँ लगाइए। उसके बाद से आपको Wi-Fi कनेक्ट करने के बाद से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा, नहीं तो अगर पहले ही Wi-Fi कनेक्ट कर दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको स्पेस पर क्लिक करना है। स्पेस पर क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट कीजिए। फिर स्पेस का ऑप्शन आ गया, उस पर कीजिए। यूज नाउ आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए मोबाइल खुल गया। अगर आप पिन पैटर्न पासवर्ड नहीं लगाइएगा तब तक नहीं खुलेगा, आपको परेशानी होगा। तो आप वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद चलिए सेटिंग में आ गए। आपको हम मॉडल नंबर भी दिखा देते हैं कि कौन सा मॉडल है। तो चलिए अबाउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए वीवो 1801 मॉडल है। आप इसी तरह बहुत ही आसानी से FRP पास कर पाएगा वीवो Y71i का।